हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्की, आप सबका स्वागत करता हूं आपके स्वरूप चैनल ट्रेन यात्रा पर। आज हम बात करेंगे ट्रेन नंबर 52459, जिसको अभी क्रिसमस के अवसर पर, न्यू ईयर के अवसर पर चलाया गया है, हिमदर्शन एक्सप्रेस के बारे में, जो कि देश की पहली फुल विस्टाडोम ट्रेन है। तो जानेंगे इस ट्रेन की सारी जानकारी, जो कि चलती है कालका से शिमला के बीच। तो बनेगा इस वीडियो में, मिलता हूं छोटे से इंट्रो के बाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों, 52459 हिमदर्शन एक्सप्रेस, ये एक हिल ट्रेन, टॉय ट्रेन टाइप की ट्रेन है और इस ट्रेन की देखरेख नॉर्दर्न रेलवेजन करती है। दोस्तों, इस ट्रेन को स्टार्ट किया गया है अभी 25 दिसंबर 2019 को और इसको एक साल के ट्रायल बेस पे चलाया जा रहा है। ये ट्रेन का जो फर्स्ट डिपार्चर है कालका से, वो है 25 दिसंबर 2019 को और लास्ट अराइवल जो है वो है शिमला में, वो है 24 दिसंबर 2020 को। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन होने वाली है, जो यात्री कालका से शिमला ट्रेवल करते हैं प्राकृतिक का नज़ारा लेते हुए, क्योंकि ये फुल विस्टाडोम ट्रेन है, मतलब आप इसमें तीन तरह से प्राकृतिक को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों, ये ट्रेन जो है कालका से शिमला के लिए डेली चलने वाली है। ये ट्रेन 94 किलोमीटर ट्रैवल दूरी अपने 5 घंटे 55 मिनट पूरा करेगी और इसका जो है मात्र एक हॉल्ट रखा गया है। कालका से शिमला के बीच ही खाली मात्र बारोग रेलवे स्टेशन पर रुकेगी, जहाँ पे 8 मिनट के लिए रुकेगी और इसकी जो एवरेज स्पीड रहेगी चलने के लिए, वो है 16 किलोमीटर पर आवर। 94 किलोमीटर की दूरी ये अपने 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन है। अगर आप कालका शिमला रेलवे अगर जा रहे हैं घूमने शिमला, तो टॉय ट्रेन का अगर आपने नज़ारा नहीं लिया तो आपने मतलब एक चीज़ मिस कर दी, जो है शिमला की टॉय ट्रेन। और आप इसमें ट्रैवल करते हैं तो मैं आपको बता दूं, इस ट्रेन में खाने पीने के लिए कुछ ही स्टेशनों पे आपको सुविधा मिलेगी। टिकट किराया का जिसका रखा गया है, उसमें 6 डब्बे हैं विस्टाडोम के, जो एग्जीक्यूटिव चेयर कार जिसको कहते हैं हम, जिसका किराया है 630 रुपये पर पर्सन। जी हाँ, 630 रुपये रखा गया। वहीं एक डब्बा है इसमें फर्स्ट क्लास का। जी हाँ, एक डब्बा है इसमें फर्स्ट क्लास का। अब बात करता हूँ इस हिमदर्शन एक्सप्रेस के टाइम टेबल, रूट हॉल्ट के बारे में। ये ट्रेन कालका से डेली सुबह में 7 बजे खुलेगी। प्लेटफॉर्म इसका डिसाइड नहीं है, तो हालांकि 4 या 5 नंबर से ही खुलेगी। इसके बाद ये पहुंचेगी बरोग रेलवे स्टेशन सुबह में 9:02 पर। बरोग में 8 मिनट का हॉल्ट है, तो कृपया अपना खाने पीने का सारा सामान ले लें। बरोग में ये सुबह में 9:02 पर पहुंचेगी और 8 मिनट रुकने के बाद सुबह में 9:10 पर यहाँ से रवाना होगी। उसके बाद हिमदर्शन एक्सप्रेस बिना रुके अपने 3 घंटे 45 मिनट चलती रहेगी और कालका से शिमला पहुंचेगी दोपहर में 12:55 पर। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगेगी, अपनी शिमला की यात्रा समाप्त करेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करें और आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए।